नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 17 मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम पंचांग के बारे में जानकारी लेंगे। आज की जो तारीख है वह 17 मार्च 2021 के है, दिन बुधवार है। आज का जो सूर्योदय है वह 6:47 का है और सूर्यास्त शाम 6:48 का है। ऋतु वसंत ऋतु है और तिथि जो आज की है वह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। नक्षत्र आज के दिन का जो है वह भरणी है। योग इंद्र है, करण वनिज है। आज के दिन जो चंद्रमा या चंद्रमा संपूर्ण दिन मेष राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन के जो शुभ कालावधि है उसमें जो अमृत घटी है वह प्रातः 1:57 से लेकर 3:29 तक की होगी। उसी प्रकार दिन का जो शुभ कालावधि है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं वह है दोपहर 12:23 से लेकर 1:11 तक। राहु काल जिसे अशुभ कालावधि भी कहा जाता है वह है दोपहर 12:47 से लेकर 2:17 तक। उसी प्रकार विष घटी यह भी बहुत ही अशुभ फलदायी होती है, वह है सुबह 10:37 से लेकर 12:09 तक। आज के दिन का शुभ अंक है वो है 7। आज के दिन का जो ग्रह योग है वो चंद्र और हर्षल की युति है, उसी प्रकार चंद्र और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का पंचांग। अब हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे और आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा दीप्त दिखाई देगी। मतलब छोटी मोटी बातों को लेकर आपका जो मूड है वो स्विंग हो सकता है और आपका जो स्वभाव है इम्पेशेंटनेस तो वो उभर कर सामने आ सकता है। थोड़ा सा अपने भावनाओं के ऊपर काबू रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके घर के जो महिला वर्ग है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी थोड़ी सी अलग थलग हो सकती है। थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही पर स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो दो तीन बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बात है वो आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अगर कहीं पर इंटरव्यू में जाना है तो पूरी तैयारी करके जाओ, क्योंकि उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं। अगर कहीं पर घूमना फिरना है किसी कारणवश तो वो पूरे होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई देते हैं। उसी प्रकार अगर आपके मन में किसी प्रकार की बड़ी योजना पर अगर आप काम करते हो तो आज के दिन कोई बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आज के दिन आपकी जो मानसिकता है वो इतनी नॉर्मल नहीं रहेगी। तो इसी वजह से किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही पर स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो आज के दिन आपके स्पेंडिंग वगैरह खर्चे बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो आज की जो राशि है वो स्पेंडिंग के मामले में ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होती, मतलब खर्चे पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता और वही बात आज के दिन उभर कर सामने आ सकती है, लेकिन खर्चे के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि ये जो सेहत के प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही पर स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा
केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ऐसा भी आपको लग सकता है कि आप पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी बोलती ज़्यादा है और बोलने से थोड़ा सा आपके मन में जो दुख है वो उभर कर सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ऐसी कोई बात होती है तो आज के दिन खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, कल से ये बात पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस आपका बना रहेगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही प्रसिद्ध हर्षल के साथ ये चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज का जो आपका दिन है स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। आज आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, लेकिन छोटी मोटी बातें जो आपके हिसाब से नहीं होगी जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसी अगर कोई बात होती है तो खुद पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आज के दिन आपको कहीं बाहर सफ़र पर निकलना है या फिर ऐसी कोई शेड्यूल अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बातें पूरी होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे थोड़ा बच कर रहना, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स के मामले में कई बातें उभर कर सामने आ सकती है, थोड़ा सा शांत रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार होंगे उनमें जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और यह तकरार ज़्यादा आगे बढ़ भी सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी चिकित्सक मानी जाती है। छोटी मोटी बातों पर आप बहुत ज़्यादा गौर करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो और वो बात अपने दिल से लगा लेते हो, तो यही बात होगी जिसकी वजह से आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर ये बातें आगे बढ़ सकती हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही प्रसिद्ध हर्षल के साथ ये चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे थोड़ा सा अपनी जो भी बातें हैं वो पूरी तरह से शेयर नहीं करना। बेसिकली आपकी जो राशि है वह ट्रस्ट वर्दी होती है, सामने वालों पर भरोसा जल्दी कर जाते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो भी अगर आपको भरोसा भी करना है तो पूरी तरह से नहीं करना, क्योंकि जो भी बातें आप ट्रस्ट से सामने वाले के बोल रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि इन बातों से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आप जो भी काम करते हो उससे नहीं आए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आज के दिन उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही प्रसिद्ध हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, अगर कोई बड़ी योजना है, तो आज के दिन वो हाथ में नहीं लेना, क्योंकि उसके बारे में कुछ ऐसी बातें उभर कर सामने आ सकती है जिसकी वजह से जो आपके मन में जो भी योजना है वो पूरे होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उसकी भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनुराशि। धनुराशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है।
पहली सबसे महत्वपूर्ण बात सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन-लॉज होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी ये बातें ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है। तो रिलेशनशिप के मामले के बारे में अगर देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा नाजुक साबित हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी बेबनाव हो सकता है। हालांकि आज का जो संपूर्ण दिन है खुद के ऊपर कंट्रोल रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा, खास करके रिलेशनशिप के मामले में आज का आपका जो दिन है वो नॉर्मल नहीं है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है हेक्टिक साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है या फिर आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है वो उभर कर सामने आ सकती है। ऑफिस के जो महिला वर्ग होंगे उनसे आपको परेशानी हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज के दिन आपके जो भी खर्चे होंगे उसके ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहीं पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, रिलेशनशिप में कुछ खटास आ सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आज के दिन किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना, अगर लेते हो तो आपके जो रिस्क है वो आपके लिए प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था 17 मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।